जहाँ पर ना जो एक जो दिल्ली का बंदा है ना गाइस, उसको डेंसिटी चाहिए होती है, चहल पहल चाहिए होती है, डीडीए मार्केट चाहिए होती है, लोकल फैसिलिटीज चाहिए होती है, वो सारी की सारी फैसिलिटीज यहाँ पे सेक्टर 56 में अवेलेबल है। काफ़ी अट्रैक्टिव ऑप्शन है। अगर आप वेस्ट दिल्ली में यू नो किसी फ्लोर में रहते हैं, आप पार्किंग की प्रॉब्लम से परेशान हैं, आप साउथ दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, और आपका, बात करता हूँ मैं, आपका गोल्फ कोर्स रोड पे ऑफिस है, आपका साइबर सिटी में ऑफिस है, ठीक है, और मान लीजिए आप आज यहाँ पे फ्लैट बुक करते हैं, आप 5 साल बाद मूव करते हैं, तो यू नो इन द विसिनिटी यू विल हैव द बेस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स, द बेस्ट ऑफ स्कूल्स। हाई गाइज, दिस इज़ योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय, और गाइज आज मैं आपको ना एक डिफरेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलने आया हूँ। आज के वीडियो में मैं ना आपसे कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा एक सेक्टर में रहने के, और क्योंकि इसी सेक्टर में अभी एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है जिसके बारे में यू नो मैं आपको कुछ ब्रीफली इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं गाइस अभी खड़ा हूँ सेक्टर 56 की हुडा मार्केट में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही वो रोड है जो आपकी यू नो गोल्फ कोर्स रोड की तरफ जा रही है, यहीं पर आगे जाके आपका यू नो सेक्टर 56 का मेट्रो स्टेशन है, रैपिड मेट्रो का। तो गाइस सेक्टर 56 ये गाइस वो सेक्टर है जहाँ पर कि पिछले 25 साल से लोग रह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी आपकी CGHS सोसाइटीज़ बनी हुई है, 2-3 बड़ी सोसाइटीज़ भी हैं, उसके अलावा प्लॉट्स भी हैं आपके, यू नो फ्लोर्स भी हैं, और मतलब ना ऑब्वियसली प्रॉक्सिमिटी टू गोल्फ कोर्स रोड, तो मेरे को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है गाइस। मतलब ना 2000 से पहले गुड़गांव में 57 सेक्टर ही मास्टर प्लान में पास थे, तो ये जो पहले के 57 सेक्टर है ना, ये पुराने शहर का पार्ट है, मतलब दिस इज़ अ डेवलप्ड एरिया। और यहाँ पे गाइस मेरे को ना, जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ था आज से 3 साल पहले, तो विद इन अ फ्यू वीक्स मेरे को ऐसा फील हुआ था कि गाइस मैं ना एक्चुअली दिल्ली में ही रह रहा हूँ, बिकॉज ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर ना जो एक जो दिल्ली का बंदा है ना गाइस, उसको डेंसिटी चाहिए होती है, चहल पहल चाहिए होती है, डीडीए मार्केट चाहिए होती है, लोकल फैसिलिटीज चाहिए होती है, वो सारी की सारी फैसिलिटीज यहाँ पे सेक्टर 56 में अवेलेबल है, ठीक है। मैं अगर अपने राइट की तरफ मूव करता हूँ गाइस, तो यही मेरे पीछे यहाँ पे आपकी सेक्टर 56 की हुडा मार्केट है, ठीक है। इस हुडा मार्केट के पीछे आगे 2 मार्केट के और ब्लॉक्स हैं, जहाँ पे आपका हरीश बेकरी भी है, आपका स्पेंसर भी है, ठीक है। यहाँ पे अभी एक मैक्स हॉस्पिटल ने भी ज़मीन ली है HSVP से। तो गाइस मतलब ना दिस इज़ अ फुली डेवलप्ड एरिया, ठीक है। और यहाँ पे रहने का गाइस मैं आपको क्या बताऊँ, जो चाम है ना, मतलब जो दिल्ली वाले को होता है, कभी शाम को जाके हमने गोलगप्पे खा लिए, कभी हम लोकल मार्केट में चले गए, अब मेरे को मोची भी लोकल चाहिए, मेरे को मतलब ना एक लोकल मार्केट में जो भी आपको चीज़ें चाहिए होती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। ये चीज़ें ना आपके गुड़गांव के अभी नए सेक्टर्स में आपको इस लेवल पे नहीं मिलती हैं जो कि आपको इस सेक्टर में मिल रही हैं। यहाँ पे गाइस पिछले 3 साल से मैं और मेरी वाइफ दोनों बहुत ही खुश हैं, मतलब ना वी आर वेरी हैप्पी स्टेइंग है। एनी वे शी वर्क्स इन दिल्ली, सो गोइंग फ्रॉम गोल्फ कोर्स रोड रेड लाइट फ्री टू धौला कुआं इज़ ऑल्सो वेरी सूटेबल फॉर हर। तो गाइस इसी सेक्टर में, मतलब ना जो कि आपका डेवलप सेक्टर है, गोल्फ कोर्स रोड के भी पास है, एक्सटेंशन रोड के भी पास है, मेट्रो के पास है, साइबर सिटी के पास है, मतलब ना मुझे लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर्स टू लिव इन गुड़गांव, ठीक है। और इसी सेक्टर में गाइस अभी HSVP के ऑक्शन में 1-2 एकड़ की साइड बिकी है, जहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। आज मैं आपको इसी प्रोजेक्ट के बारे में बताऊँगा, जो कि यू नो आपके एंड यूजर्स के लिए बहुत ही सूटेबल प्रोजेक्ट है। तो लेट अस गो गाइस एंड एक्सप्लोर दिस एरिया एंड टेल यू मोर अबाउट दिस अपकमिंग प्रोजेक्ट। सो गाइस जो प्रोजेक्ट की मैं आज आपसे बात करने आया हूँ, वो प्रोजेक्ट गाइस यहाँ पे सेक्टर 56 की मार्केट के बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं, ये एक गली अंदर जा रही है, ठीक है। इसी गली से आगे जाके राइट हैंड पे गाइस आपका ना रोड से थोड़ा सा अंदर इनकी साइट है, ठीक है। ये जो साइट है गाइस, ये टोटल आपकी है मोटा मोटा 2.1 एकड़ की, जिसमें कि यू नो ऑब्वियसली यहाँ पे छोटे ही लैंड पार्सल्स हैं। CGHS सोसाइटी ऐसे 2 एकड़ में बनती है, तो ये भी CGHS सोसाइटी वाला ही एरिया है, बट ऑब्वियसली बिकॉज ये नया लाइसेंस है, तो यहाँ पे आपको यू नो एक प्रॉपर कॉन्डो वाली सारी एमिनिटीज़ मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे गाइस टोटल आपका बिल्डर जो है मोटा मोटा 170 यूनिट बना रहा है, 2 टावर में, 4 to the core, G+31 का यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। 2500 समथिंग स्क्वायर फीट का यहाँ पे आपका 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट है, और 3300 समथिंग स्क्वायर फीट का यहाँ पे आपका यू नो 4 बेडरूम प्लस सर्वेंट है।
40,000 स्क्वायर फीट का यहाँ पे बिल्डर आपको यू नो नीचे जो आपके टावर्स हैं उसके पहले दो फ्लोर पे इंटरकनेक्टेड, जैसे आजकल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में गंगा में और प्रोजेक्ट्स में भी आ रहा है, वैसा आपको यहाँ पे क्लब मिलेगा। मॉर्फोजेनेसिस एक काफ़ी बड़ी कंपनी है, वो लोग इस प्रोजेक्ट को यू नो डिज़ाइन कर रहे हैं। और गाइस टोटल अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पे प्राइस पॉइंट की, तो मोटा मोटा 5.5 करोड़ से यहाँ पे आपका यू नो स्टार्टिंग प्राइस आ जाता है 3 बेडरूम का। और अगर मैं बात करता हूँ आपसे हाई राइज बिल्डिंग में ना, गोल्फ कोर्स रोड पे नई कंस्ट्रक्शन में, अगर मैं आपसे बात करता हूँ अभी यहाँ पे ट्यूलिप मौनसाला एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे 3 बेडरूम आपका यू नो मोटा मोटा 8-8.5 करोड़ से बिक रहा है, ठीक है। उसके बाद गोल्फ कोर्स रोड पे अगर आप पुरानी सोसाइटीज़ भी देखने जाएंगे ना, वहाँ पर भी आपको 10-15-20 साल पुरानी सोसाइटीज़ भी आपको ना 6-6.5 करोड़ की मिलती हैं, ठीक है। एक और चीज़ गाइज मैं आपको बताता हूँ, पर स्क्वायर फीट प्राइस यहाँ पर बिल्डर जो प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा वो लॉन्च करेगा 25,000 रुपये स्क्वायर फीट में, बिकॉज मौनसाला का भी 27,000 रुपये का रेट है, ठीक है। तो लेकिन अभी लॉन्च से पहले पहले 50 यूनिट्स के लिए इनके पास जो प्राइस है दैट इज़ 22,000 पर स्क्वायर फीट। अब गाइज 22,000 रुपये स्क्वायर फीट, आप बिलीव करेंगे गोल्फ कोस्ट रोड के पास नई कंस्ट्रक्शन में 4 साल के पेमेंट प्लान के हिसाब से यू नो काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस है। और जहाँ तक मैं पेमेंट प्लान की बात करता हूँ, ये आपसे शुरू में 90 दिन में 30% लेंगे, उसके बाद जब इनका आधा स्ट्रक्चर बन जाएगा 10% लेंगे, फिर आपका सुपर स्ट्रक्चर पे 30% लेंगे, बाकी आपका जो 30% है वो आपसे यू नो पोजेशन के पास में लेंगे। अगर मैं वापस चलता हूँ गाइज, यहाँ पे ना पीछे ग्रीन कलर की फेंसिंग हो रखी है, ये भी उसी बिल्डर की लैंड है जहाँ पे इनका कमर्शियल प्रोजेक्ट आएगा। इस बेसिकली प्रोजेक्ट के जस्ट पीछे इनकी रेजिडेंशियल की भी लैंड है, ठीक है। तो गाइज अगर मैं आपसे बात करता हूँ ना गोल्फ कोर्स रोड के आसपास के एरियाज़ की, तो उस हिसाब से नई कंस्ट्रक्शन में आपको यू नो एक क्या बोलते हैं उसको हाई राइज कॉन्डो में आपको इस प्राइस पॉइंट पे जो चीज़ है एंड यूज़र्स के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव ऑप्शन है। अगर आप वेस्ट दिल्ली में यू नो किसी फ्लोर में रहते हैं, आप पार्किंग की प्रॉब्लम से परेशान हैं, आप साउथ दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, और आपका बात करता हूँ मैं आपका गोल्फ कोर्स रोड पे ऑफिस है, आपका साइबर सिटी में ऑफिस है, ठीक है, और मान लीजिए आप आज यहाँ पे फ्लैट बुक करते हैं, आप 5 साल बाद मूव करते हैं, तो यू नो इन द विसिनिटी यू विल हैव द बेस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स, द बेस्ट ऑफ स्कूल्स, द बेस्ट ऑफ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़। मतलब ना खासकर एक दिल्ली वाला जो एंड यूज़र है, जो मैंने शुरू से बात करी थी, आई एम अ 3rd जनरेशन दिल्लीइट, तो हम लोगों को एक डेंसिटी, हम लोगों को एक चहल पहल, ठीक है, जो हमें चाहिए होती है वो सेक्टर 56 में आपको मिलती है, विच इज़ यू नो नॉट देयर इन मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स वेयर न्यू लॉन्चेज आर कमिंग अप। तो आप में से जो लोग भी 5.5-6 करोड़ का अपार्टमेंट देख रहे हैं एज अ एंड यूज़र, नॉट एज अ इन्वेस्टमेंट, उनके लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आप अगर इस प्रोडक्ट के बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे बोर्ड नंबर्स पे। और यहाँ पे गाइस इस बिल्डर ने अभी यू नो एक बहुत बड़े पावर कपल को भी अपना एक ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है, यू नो फॉर ऑल देयर फॉर देयर ब्रांड बेसिकली, नॉट फॉर दिस प्रोजेक्ट। सो दे हैव बिग प्लान्स फॉर द फ्यूचर, और ये काफ़ी ट्रस्टेड कंपनी है, पहले एक बड़ी कंपनी थी, उसका यू नो कुछ पार्टनर्स अलग हुए हैं, दे हैव स्टार्टेड देयर ओन वेंचर्स, तो कंपनी के क्रेडेंशियल भी स्ट्रॉन्ग है, लोकेशन भी बहुत अच्छी है, प्राइस पॉइंट इन टर्म्स ऑफ पर स्क्वायर फीट भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। आज की यू नो बढ़ी हुई मार्केट में एक सेंसिबल प्राइस पे आपको यहाँ पे चीज़ मिल रही है, और एक सेक्टर 56 मतलब ना जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था कि एज अ एंड यूज़र दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर्स टू लिव इन गुड़गांव। तो गाइज़ अगर आप भी एक एंड यूज़र हैं और इस प्राइस पॉइंट पर आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करें। इसी तरीके से मैं आपको दोबारा से मिलूंगा किसी और प्रोजेक्ट के साथ किसी और लोकेशन पे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। आई विल सी यू अगेन वेरी सून, बाय फॉर नाउ।